मुरादाबाद में कपूर कंपनी पुल के नीचे रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनी सब्जी मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे विभाग और आरपीएफ के साथ जेसीबी मशीन सब्जी मंडी को हटाने के लिए पहुंच गई। सब्जी मंडी हटाने को लेकर सभी दुकानदारों से विरोध भी किया गया, लेकिन रेलवे विभाग ने किसी की एक भी नहीं सुनी। दुकानों और सब्जी मंडी में बने चबूतरों को तोड़ दिया गया। सब्जी मंडी तोड़ने की सूचना पर भाजपा से शहर विधायक रितेश गुप्ता भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कपूर कंपनी सब्जी मंडी पहुंच गए। फिलहाल विधायक ने डीआरएम से बात कर काम को रुकवा दिया है। 200 साल पुरानी सब्जी मंडी है, इसी से परिवार का पालन पोषण होता है। कपूर कंपनी सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला रामबती का कहना है कि 2 साल पुरानी सब्जी मंडी है, इसी से सभी दुकानदारों का पालन पोषण होता है। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, आज रेलवे वालों ने आकर मंडी तोड़ दी, तमाम सब्जी और फल वालों को बहुत नुकसान हुआ है। विधायक भी आए हैं, अधिकारियों से बातचीत चल रही है, कर्ज लेकर सब्जी बेचते हैं, हमको यही रहने दिया जाए, हमको यहाँ से ना निकाले कोई। सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले अंकुर का कहना है कि कर्ज लेकर सब्जी और फल बेचते हैं, दुकानदारों के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है, मंडी खत्म होने पर हमारा कर्जा कैसे माफ होगा। विधायक भी आए हैं, हम बस यही चाहते हैं कि हमको यहाँ से ना निकाला जाए। 2 दिन पहले हमको बताया गया था कि अपनी दुकानें यहाँ से हटा दो, हम हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी जगह हमको कहीं दूसरी जगह दो जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। मंडी तोड़ने का काम रुकवा दिया गया है, अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। भाजपा से शहर विधायक ने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने से ये सब्जी मंडी लगती आ रही है, इस मंडी को रेलवे के कुछ लोग हटवाना चाहते हैं। डीआरएम से इस बारे में बात हुई है, इस मंडी से लगभग 200 से ज्यादा परिवार का पालन पोषण यहाँ से होता है, इस तरह इनको यहाँ से नहीं हटाया जाए, अधिकारियों से मिलकर इस समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे की जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सीनियर डीसीएम सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कपूर कंपनी पर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सभी रेलवे की जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने का काम किया जा रहा है। राजवती भैया, 200 साल पुरानी मंडी है, हम किराए पे रहते हैं, मकान भी नहीं है अपना, इसमें गुजर बस कर रहे हैं सब्जी बेच के। तीन हमारे बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, सबका इससे गुजारा करते हैं, किराए का मकान है, अपना मकान भी नहीं है, जिस सामान हम कहाँ ले जाकर डालें। इस मंडी लेन पार रहते हैं, हनुमान नगर किराए पे रहते हैं। ये इस कपूर कंपनी का, कपूर कंपनी सब्जी मंडी कम से कम 200 साल पुरानी सब्जी मंडी है, इसमें सास ससुर मर गए, बेइज्जत करते हैं, दादी ससुर मर गए, अब आके इन्होंने ना बताया ना उताया, बुलडोजर चला दी सारी दुकानों में, हमारी कच्ची सब्जी पड़ी है, फल पड़े हैं कच्चे तमाम लोगों के, ये खड़े हैं बेचारे फलों वाले, सारा सामान पड़ा है, लाखों रुपये का नुकसान होगा बेचारों को, सबका 10-10 हज़ार की 5-5 हज़ार की सब्जी पड़ी है। उसके बाद क्या हुआ विधायक जी? आए आए विधायक जी, देखो बातचीत हो रही, क्या होता है, सारे सब्जी फलों वाले हैं, कोई एक जने का सामान थोड़ी है, लाखों आदमी इस मंडी से जुड़ा हुआ है, 1000 साल चाहते हैं। आप ये चाहते हैं मंडी रोक दी जाए, हमें थोड़ा रोटी खाने का रोजगार दे, कुछ नहीं हम पासी सब ब्रदर, यहाँ मुसलमान सब लोगों का व्यापार है, सब लोग काम करते हैं, कुछ लोग करूले के रहते हैं, कुछ हनुमान मूर्ति है, कुछ बूढ़े के चुराए, कुछ लाइन पार के, कुछ मंजोला चुराए के, सब लोग यहीं पर हैं। यहाँ हम सर कम से कम हमारे दादा लाई काम है, कम से 80-90 साल हो चुके हैं यहाँ। ये कपूर कंपनी है, रेलवे स्टेशन के पास में पुल के पास कपूर कंपनी। हम ये चाह रहे हैं सर, हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए, हाथ जोड़कर विनती, हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए, हमारे बाल बच्चे यहीं से पल रहे हैं, हमारी रोजी रोजगार यहीं से है, हम क्या करेंगे, यहाँ से चले आएंगे, हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे। सर किस चीज़ का काम है आपका? हमारा सर, मैं यहाँ केले बेचता हूँ, ये मेरे चाचा हैं, ये यहाँ सेब बेचते हैं, हम सब लोग सब्जी फल वगैरह बेचते हैं। कपूर कंपनी में अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पर मंडी चलती आई है। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि रेलवे के कुछ लोग इस मंडी को हटवाना चाहते हैं, मेरी डीआरएम साहब से इस संबंध में बात हुई है, और जो भी परेशानी है, जो लोग 100 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं, 100 से अधिक परिवार का कारोबार यहाँ से चल रहा है, तो उनको एकदम से नहीं उजाला जाए, इसके लिए मेरी डीआरएम साहब से बात हुई है, और इसका शीघ्र ही सॉल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल काम रुकवा दिया गया है, और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसको निकाला जाएगा। हमारे रेलवे भूमि पे कई लोगों ने समयबद्ध तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अतिक्रमण कर रखा है, तो टाइम टाइम पे हम लोग अभियान चला के उसका अतिक्रमण को हटाते हैं और वहाँ पे फिर साफ सुथरी ज़मीन को करते हैं। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आर्डर आया है कि रेलवे भूमि पे जो भी अतिक्रमण हैं उनको हटाया जा सकता है प्रॉपर प्रावधान के तरीके से। इनको हम लोगों ने अभी सब्जी मंडी के पास, हमारी रेलवे की भूमि है,
वहाँ पे अवैध कब्जा कपूर एंड कंपनी का है काफ़ी सालों से, तो बीच बीच में हटाया भी जाता रहा फिर होता रहा। ऐसे में एक नोटिस दे के और पुलिस बल के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से इसको हटाने का काम आज किया जा रहा है। इनका कहना है कि काफ़ी सालों से लगाए हैं, 70-80 सालों से हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, सालों से करने से कोई चीज़ वैध नहीं हो जाती है। तब अगर आप गलत कर रहे हैं और बहुत दिन से कर रहे हैं तो इससे आप सही नहीं हो सकते हैं। अगर उनके पास उसके कुछ पेपर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको प्रोड्यूस करें और उसका ध्यान रखा जाएगा। जहाँ तक बदसलूकी की बात है, ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाएगा, नहीं करना चाहिए। मीन्स किया जाएगा, जो चीज़ें रूल में हैं, रेलवे एक्ट में हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश में है, तो क्योंकि अगर प्रतिनिधि कोई ऐसी बात कह रहे हैं तो उस पर विचार किया जाएगा कि कैसे इसका सोल्यूशन समाधान निकाला जाए। और क्योंकि रिमूवल करना ही है, जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको उसी हिसाब से किया जाएगा।